जुड़वा मंगल पर हनुमान मंदिरों पर रही भीड़। एसएसपी ने किए पिलुआ महावीर के दर्शन। पवन पुत्र हनुमान के भक्तों ने बुढ़वा मंगल पर्व बड़ी धूमधाम और आस्था से मनाया। प्रसिद्ध पिलुआ हनुमान मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और दिन भर मेला लगा रहा। नगर से 10 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध पिलुआ हनुमान मंदिर पर हर साल की भांति इस साल भी बड़ी संख्या में भक्तों का पहुंचना दिन भर जारी रहा। रात 12 बजे से कपाट खोले गए और दर्शन शुरू हो गए थे। दर्शनार्थियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। पुलिस अमला भी पहले से ही सक्रिय था। एसएसपी ने दोपहर में दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। देर शाम तक मेला जारी रहा। सैकड़ों की संख्या में प्रसाद सहित अन्य दुकानें सजी हुई थीं। बच्चों के लिए खिलौने और झूले भी लगे हुए थे। भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए मंदिर के मुख्य पुजारी की ओर से सैकड़ों वॉलंटियर तैनात किए गए थे। साइकिल और बाइक स्टैंड भी बनाए गए थे। बुढ़वा मंगल पर्व हर वर्ष भादो माह के अंतिम मंगलवार को मनाया जाता है। भीषण गर्मी और बरसात के मौसम के बाद हनुमान जी के चोले का परिवर्तन कर उन्हें भक्तनव यौवन का रूप देते हैं। नगर के करीब 16-17 मंदिरों में लगभग सभी में हनुमान प्रतिमा विराजित है। ग्रामीण इलाकों में लोगों ने अपने गांव के हनुमान मंदिरों में पूजा अर्चना की। लोग मंदिरों में हनुमान जी की पूजा अर्चना को पहुंच रहे थे। बूंदी बेसन के लड्डुओं के प्रसाद के साथ मीठी पूरी पुआ का भोग बजरंगबली को अर्पित कर रहे थे। बहुतों ने अपनी मनोकामना पूरी होने के उपलक्ष्य में सीता मैया के अनन्य प्रिय बजरंगी के तन पर सिंदूर का चोला चमेली देसी घी में मिलाकर चढ़ाया और चांदी के वक्त जाकर पवन पुत्र का श्रृंगार किया। नगर में कैस्ट के मंदिर के अलावा नागेश्वर मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, तालाब मंदिर, शाला मंदिर, रेलवे फाटक मंदिर पर भक्त बड़ी संख्या में चोला व प्रसाद चढ़ाने पहुंचे। रेलमंडी स्थित राम सीता मंदिर और लुधपुरा के हनुमान मंदिरों पर सवेरे से खूब भीड़ रही। मंदिरों पर हनुमान चालीसा और आरतियां गूंजती रही। सिटी टुडे समाचार के लिए जसवंत नगर से प्रदीप सिंह चौहान की रिपोर्ट। महाराज जी, आज बुढ़वा मंगल है। यहाँ पिलुआ महावीर मंदिर पर ये जो विशाल मेला लगा हुआ है, क्या व्यवस्थाएं रही हैं मंदिर प्रशासन की तरफ से और कितनी भीड़ रही होगी? प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था दी गई है। उसमें हमारे कप्तान साहब जी और सीओ साहब और सिविल लाइन इंस्पेक्टर जी, हमारे दीवाराम जी यादव की बहुत बड़ी विशेष भूमिका रही है और इनकी व्यवस्था से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। भीड़ का आंकलन तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जैसे पहले यात्री आते थे उस हिसाब से भीड़ कम रही है, क्योंकि कोरोना कालकाल है और उसी कोरोना नियमों का पालन करते हुए हमने मंदिर में लोगों को दर्शन करवाए। एक अनुमान क्या होगा दर्शनार्थियों का? दर्शनार्थियों का अनुमान मैं नहीं बता सकता, आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। हम ये जानते हैं कि जैसे भक्त आते रहते हैं, आगे बढ़कर के दर्शन करते हैं और बाहर निकलते जाते हैं। कुछ हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं और हमारे पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। हमारे इंस्पेक्टर साहब ने जो व्यवस्था की है वो बहुत अच्छी व्यवस्था की है। पिछले कालों से इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था है।